पूर्वी दिल्ली के मयूर विहार फेस टू इलाके के सर्वोदय बाल विद्यालय में दसवीं की परीक्षा देकर बाहर निकले चार छात्रों पर कुछ लोगों ने चाकू से हमला कर दिया। हमले में छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल अवस्था में इलाज के लिए पीड़ितों को लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में दाखिल कराया गया है। घायलों की पहचान गौतम, रेहान, फैजान और आयुष के तौर पर हुई है। जानकारी के अनुसार सभी छात्र मयूर विहार फेज टू के सर्वोदय बाल विद्यालय में पढ़ते हैं। ये सभी दसवीं की परीक्षा देने के लिए आए थे। परीक्षा देकर जैसे ही छात्र स्कूल से बाहर आए, तभी कुछ लड़कों ने उन्हें चाकू मारकर घायल कर दिया। मैं तो कुछ नहीं, वो मेरे पास भाग भाग आया था, जिस लड़के को मैं लेके आया था, तो मेरे से बोला भाई मेरे चाकू मार दे, चाकू मार दिया। फिर मेरे साथ एक लड़का और था, फिर इसे रिक्शे में डालकर हॉस्पिटल लेके आए थे। कितने लोग थे जिसको चाकू लगे हैं? तीन लोग थे। मतलब क्या वजह है चाकू मारने, कुछ मालूम चला? ये तो मुझे नहीं पता। सर लास्ट पेपर बच्चे कहाँ पढ़ने वाले थे? बच्चे कहाँ पढ़ते थे? जहाँ पर हमारा सेंटर गया था वो तो यहाँ पर मेरी भाई फेस टू नीला माता मंदिर के पीछे सर्वोदय बाल विद्यालय स्कूल, और हमारा जो स्कूल है वो त्रिलोकपुरी में। जिसको जिसको चाकू मारा, क्या नाम है वो बच्चों का? एक का नाम गौतम है, जिसको मैं लेके आया था, और एक का नाम आयुष गुप्ता, एक का नाम आयुष गुप्ता बताओ बेटा, और दूसरे का रोहन शायद, और एक का नाम रिहान, एक का नाम रिहान। मौके पर मौजूद दूसरे छात्र घायल छात्रों को लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में ले गए, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। फिलहाल इस पूरे मामले में सूचना मिलते ही पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। मौके पर पहुंची पांडव नगर थाना पुलिस हमलावर लड़के कौन थे इसकी जांच कर रही है। वहीं आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला जा रहा है। दिल्ली से नवोदय टाइम्स के लिए सचिन बिरलान की रिपोर्ट।